अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल कुक विद शिरीन काजी। आज हम बना रहे हैं मटन दाल गोश्त, तो चले इसकी रेसिपी देख लेते हैं। देखिए मैंने अभी इधर एक कुकर रख लिया है। कुकर में अभी हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे मटन का गोश्त। देखिए मैंने इधर बोनलेस गोश्त लिया है, आप चाहे तो बोन के साथ भी ले सकते हैं। अभी हम गोश्त को डाल के इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे गोश्त को, गोश्त का कलर चेंज होने तक। देखिए मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1.5 चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। अभी हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गोश्त के साथ अच्छे से भून लेंगे। देखिए मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर अभी हम मसालों को भी गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। देखिए मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच चाट मसाला। अभी हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी टमाटर का पेस्ट। अभी हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लिया। अभी हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी चने की दाल। चने की दाल को मैंने 1/2 घंटा पहले भिगो के रखा था। आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। अभी हम दाल को गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है दाल को। अभी हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास पानी। अभी हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढक्कन लगा के 6-7 सीटी में पका लेंगे गोश्त और दाल को। देखिए 7 सीटी के बाद गोश्त और दाल अच्छे से पक चुके हैं। अभी हम सिर्फ गोश्त को निकाल लेंगे। देखिए मैंने गोश्त को निकाल लिया। एक हैंड ब्लेंडर से दाल को अच्छे से पीस लेंगे। देखिए मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी। अभी हम उसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गोश्त निकाले हुए बर्तन में इसको डाल देंगे। चलिए अब हम दाल पे तड़का लगा देंगे। मैंने पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें थोड़ी सी प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा गोल्डन कलर आने तक भून लेंगे।
अभी हम इसमें डालेंगे 5-6 हरी मिर्च, मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है, और थोड़े से धनिया और पुदीना के पत्ते। अभी हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अभी हम दाल पे तड़का लगा देंगे। देखिए मैंने अभी तक सर्व कर लिया है मटन दाल गोश्त को। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।